उत्तर प्रदेश में केले की खेती 90 से पहले बहुत कम क्षेत्रफल पर होती थी, लेकिन आज 1 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्रफल पर केले की खेती होने लगी है। अगर इस केले की खेती की बढ़ने की बात करें तो इसके पीछे भी कुछ बड़े किसानों का एक बड़ा रोल है। उनमें से बाराबंकी जनपद के पद्मश्री से सम्मानित रामशरण वर्मा का भी नाम शामिल है। 1988 से उन्होंने केले की खेती शुरू की। शुरुआत में वो कंद से करते थे, फिर बाद में टिश्यू कल्चर को अपनाया और आज उनके पास में करीब आधा दर्जन प्रजातियों की केले की खेती करते हैं। और किसानों को न सिर्फ उन्होंने ये साबित करके दिखाया कि अगर प्रति हेक्टेयर आप केले की खेती करते हैं तो आपको 1 हेक्टेयर में करीब 8 लाख रुपये तक की आमदनी हो सकती है, तो जबकि ये इतनी आमदनी आप दूसरी फसलों में नहीं ले सकते हो। तो इन्होंने प्रायोगिक तौर पे इसे शुरुआत की और फसल चक्र को अपनाया और इसमें उनको बड़ी सफलता मिली और किसानों को भी एक बड़ा कम से कम एक तजुर्बा मिला, क्योंकि इनकी खेती के माध्यम से इन्होंने न सिर्फ किसानों के सामने एक सक्सेस मॉडल पेश किया बल्कि एक सक्सेस किसान की तरह उभरे। हमने 1988 से केले की खेती शुरू की, तब हम गांठ लगाते थे, सकर्स लगाते थे। फिर 1992 में हमने टिशू कल्चर G9 प्रजाति की खेती शुरू की, जो आज खेत में हमारे लगी है। फिर इसकी हमने खेती शुरू की G9 प्रजाति की। ये जो G9 की जो विशेषता है और जो टिशू कल्चर की विशेषता है, इसके टिशू कल्चर के पौधे लैब में तैयार होते हैं। थोड़ा हम किसान भाइयों को इसके पौधे के बारे में भी जानकारी बताना चाहेंगे कि जो हमारे किसान भाई हैं, कभी कभी इसका पौधा इसकी वैरायटी नहीं सही पाते हैं, तो G9 वैरायटी की जो एक पहचान है, आज हम इस जगह थोड़ा हम बताना चाहेंगे कि जो इसके ये छोटा पौधा पहचानने में तो थोड़ा दिक्कत आएगी, इसकी गैपिंग एक समान होती है, जो एक सेंटर है, जो एक लाइन जा रही है, ये जितने बीच में होगी उतने पौधा हमारा क्वालिटी गुणवत्ता इसकी सही है, मतलब G9 है। ये सब किसान को नहीं पता, ये जो पत्ती का हम दिखा रहे हैं बीच में सेंटर में तो किसी में नहीं, लेकिन ये जितने बीच में होगी उतने इसकी क्वालिटी अच्छी होगी। तो हम अपने किसान भाइयों को ये बताना चाहेंगे कि वो जो पौधा लगाएं वो G9 का एक अच्छी जगह से होना चाहिए, अच्छे संस्थान से होना चाहिए G9 वैरायटी। नंबर दो, लगाने का जो समय है, हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोग पौधा बेचने वाले हैं बहुत, तो किसान भाइयों को थोड़ा समय कर, इसका जो उत्तर प्रदेश में समय है वो लगाने का समय है 15 जून से 15 जुलाई। तो एक तो समय का ध्यान रखें, लाइन से लाइन की दूरी 6 फीट रखें और पौध से पौध की दूरी 6 फीट रखें और करीब 1200 पौधे 1 एकड़ में लगेंगे। कभी कभी हमारे किसान भाई 1500 पौधे लगे, इससे हमारी पैदावार भी गिरेगी ना। 1200 से कम लगाएं ना ज़्यादा लगाएं, 6x6 पर लगाएं। और उसके लिए हमको जो खेत का चुनाव करना है, बहुत ही जल निकास वाली ज़मीन, मतलब लो लैंड नहीं होनी चाहिए, ऊसर नहीं होना चाहिए। और जितने अच्छे हम गर्मी की जुताई करेंगे, जितने ज़्यादा हम गोबर की खाद का प्रयोग करेंगे, उतने अच्छा हमारा केला होगा। तो जो हम केला जुलाई में लगा देते हैं, पानी इसको ज़्यादा नहीं चाहिए, केवल नमी चाहिए, मेड़ बना करके लगाएं तो और अच्छा रहेगा। जैसे हमारा लगा है, ये हमारी जो फसल है जुलाई की लगाई हुई है और ये अगले साल सितंबर में तैयार हो जाएगी। यानी कुल मिलाए के ये समझिए, जो आप अच्छी देख रेख करेंगे, अच्छा पानी लगाएंगे, तो हमारी फसल जो हम जुलाई में लगाएंगे वो अगले साल सितंबर में तैयार हो जाएगी। और औसत उपज की हम बात करें तो करीब आप एक पेड़ से 30 किलो केला मिलेगा और बांटते हैं 36, आप ये समझिए कि आपको 350 क्विंटल तो केला मिल ही जाएगा। और जो इस पर खर्च है एक पेड़ पर, जो जैसे ये पौधा लगा हुआ है, हम पौधा देख करके आज बता देंगे, जैसे हम ये पौधा पकड़े हुए हैं, इस पौधे में जो इसकी लंबाई इसकी मोटाई देख करके हम इसका माप करते हैं, करीब 32 साल का हमको केले का अनुभव है, तो इसमें करीब 30 से 32 किलो का फल आ जाएगा। कुछ पेड़ हमारे जैसे बड़ा है उसमें 35 किलो का आ जाएगा, ये छोटा है इसमें 15 से 16। जितने हम यूनिफार्म क्रॉप पैदा करेंगे उतने अच्छा हमको लाभ मिलेगा। तो केले में करीब 100 रुपया हम खर्च करते हैं और एक पौधा हमारा 400 का बिकता है। तो हम अपने किसान भाइयों को सीधी बात बताएंगे, आप 100 रुपया खर्च करेंगे तो आपको 400 रुपया मिलेगा और 300 रुपया का लाभ मिलेगा। केला हमने क्यों चुना? केला हमने इसलिए चुना कि हमारे यहाँ जो केला आता है, आज उत्तर प्रदेश में केला
खाने के लिए 80% महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटका से आता है। तो केला हमने ये चुना कि जब हम जो हमारे महाराष्ट्र का केला है वो 10 रुपया किलो बिकता है वहाँ, तो हमारा केला 14 रुपया किलो बिकता है, क्योंकि 4 रुपया उनका ट्रांसपोर्ट खर्चा होता है, हमारा केला 14। तो केले में हमारे घर में बाज़ार है, हम पैदा करते हैं, पड़ोस में खाने वाले हैं, इसलिए हमने केला चुना। और आज भी उत्तर प्रदेश में करीब जो हमने शुरू किया था तो कोई केला जानता ही नहीं था, इसके लिए जलवायु भी नहीं थी, इसके लिए टेम्परेचर नहीं था। तो हमने ये शोध करके और हम आप समझिए कि महाराष्ट्र गए, केरला गए, तमिलनाडु गए, बेंगलोर गए, बहुत से जगह पर इसका हमने अनुभव सीखा, किसानों से बात की। आज जो केले की खेती कर रहे हैं, वैसे हम तो 100 से 125 एकड़ पे कर रहे हैं, हमारे जो प्रदेश में खेती हो रही है 1 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा हो रही है। तो हमने इसके शुरू की, आज 1 लाख हेक्टेयर में खेती हो गई। जो केले की हम किसान के लिए लोकप्रिय क्यों है, आज हमने पूरे भारत में सर्वे किया है, जितने किसान केला वाले हैं सब धनी किसान हैं। इसलिए धनी किसान हैं कि इसमें पूरे साल काम नहीं करना है और कोई बीमारी भी ज़्यादा नहीं है इसमें, और इसके लिए जलवायु अब बहुत ही अच्छी है उत्तर प्रदेश के लिए, थोड़ा पहाड़ी छोड़ करके पूर्वी उत्तर प्रदेश में की सफलतापूर्वक खेती। और पूर्वी उत्तर कुशीनगर है, आपके सीतापुर है, गोरखपुर है, महाराजगंज है, खड्डा है, बहुत बड़े मात्रा में इसकी खेती हो रही है। तो आज किसान भाइयों को हम ये कहना चाहेंगे कि इसका समय में ध्यान रखें, वैरायटी तो जो हम बता रहे थे कि हमने 100 रुपया इसको खर्च किया और 400 का हम केला बेच ले, और सबसे बड़ा लाभ है हमको बाज़ार ढूंढना नहीं है। आज हमारे फल एवं सब्जी में ये बात हम किसान भाइयों कहें कि केले के लिए हमको बाज़ार नहीं, केला 800 रुपया कुंटल से नीचे कभी भी उत्तर प्रदेश में नहीं बिकेगा, जबकि कि हमारी कल्टीवेशन कास्ट है, हमें 30 किलो केला एक पेड़ से पैदा कर रहे हैं तो 3.5 से 4 रुपया ही है। यदि 8 रुपया बिक गया तो चलिए हमारा दूना मतलब 100 लगाए 200 हमको लाभ मिल गया। तो केले में किसान भाइयों को कभी नुकसान नहीं होने वाला है और बाज़ार हमारे घर में है, इसलिए हमने केला चुना। और पिछले हम 32 साल से केले की खेती कर रहे हैं, आज जो हमारी एक पहचान है, जो हमारी आमदनी है, वो सारी केले से है। और हमको बहुत बड़ी खुशी है कि आज हमारी वजह से लाखों हेक्टेयर में खेती हो रही है और हजारों किसानों को इसका लाभ मिल रहा है और हजारों किसानों को इसकी रोज़गार मिल रहा है। आज हम 30,000 से ज़्यादा लोगों को काम दे रहे हैं, उसके साथ साथ करीब 100 काम दे रहे हैं। ये कितनी बड़ी खुशी की बात है कि एक हम रोज़गार लेकर आए, बाज़ार लेकर आए और फिर खाने के लिए हमको केला, हमारे उत्तर प्रदेश का केला उत्तर प्रदेश को मिला है। 5 फुट 4 इंच की लंबाई वाले किसान रामशरण वर्मा ने आज वो कर दिखाया कि आज बाराबंकी, सीतापुर, कुशीनगर जैसे जनपद पूरे केले से भरे हुए हैं। यहाँ जनपदों की जो मुख्य क्रॉप है वो केला है और किसान केले की खेती से प्रति एकड़ करीब 1.5 से 2 लाख रुपए, यहाँ तक कि 3 लाख रुपए तक की कमाई भी कर रहा है। तो ये है केले का मैनेजमेंट और ये है केले का भविष्य। तो केला यहाँ की क्रॉप नहीं थी, केला साउथ में होता है, महाराष्ट्र में होता है, लेकिन उन्होंने उत्तर प्रदेश की एक क्रॉप के रूप में इसे डेवलप किया और किसानों को एक बड़ा आजीविका का साधन भी दिया। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, बाराबंकी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है। 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।